एक्स बीजेपी एमपी रमाकांत यादव को सुनने में आ रहा है कि बीजेपी टिकट नहीं दे रही है। एक नया नाम और चर्चा में आ रहा है कि हो सकता है आजमगढ़ की सदर लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव चुनाव लड़े। बहरहाल अखिलेश यादव ने अपने चुनाव लड़ने की घोषणा पहले ही कर दी है। बीजेपी से नाराज हुए सांसद रमाकांत यदि टिकट नहीं मिलता है तो क्या वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन अखिलेश यादव और दिनेश लाल यादव का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा वह देखने योग्य जरूर होगा। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश सिंह, आप देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज और मैं स्वागत करता हूं आपके इस वेब पोर्टल पर। अपनी खबर पर जाने से पहले हम आपको एक गाना सुनाते हैं। सुना यह गाना गाने वाले और कोई नहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ खुद हैं, जो आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। मतलब जो निरहू कल तक नेताओं का मजा लेते थे वह अब आजमगढ़ की गलियों में जाकर जनता के भी पांव करेंगे। सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे कल तक जिलाध्यक्ष द्वारा यह बताया जा रहा था कि यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है और किसी कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा, आखिर बीजेपी के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि पार्टी को आजमगढ़ जिले में हेलीकॉप्टर कैंडिडेट उतारना पड़ा। क्या दिनेश लाल यादव इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे? शायद नहीं, क्योंकि मुझे खुद याद है कि पिछले चुनाव में इन्हीं के लोगों द्वारा समाजवादी पार्टी का प्रचार इसी आजमगढ़ जिले में मुलायम सिंह यादव के लिए किया गया था। दूसरा सवाल यह उठता है कि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहू यदि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो आजमगढ़ की जनता के लिए वह कितना समय निकाल पाएंगे या संसद भवन में जा करके आजमगढ़ की जनता की कौन सी आवाज उठाएंगे? आजमगढ़ जिला जो वर्तमान समय में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, ऐसे में दिनेश लाल यादव मतदाताओं को किस तरह अपनी ओर आकर्षित करेंगे और दिनेश लाल यादव के टिकट मिलने पर क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ इंसाफ हुआ है कि यह कार्यकर्ता उनके साथ पूरी तरह से काम करेंगे? क्योंकि पार्टी में कुछ तो ऐसे पुराने कार्यकर्ता रहे होंगे जो टिकट की चाह में दिन रात एक किए रहे होंगे। बड़ी बात यह भी रहेगी कि दिनेश लाल यादव का मुकाबला समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से रहेगा। ऐसे में पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे रमाकांत यादव यदि किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितने मत आजमगढ़ जिले में मिलते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछली सरकार में अखिलेश यादव द्वारा दिनेश लाल यादव को यश भारती पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। क्या दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ की जनता का दर्द मालूम है या उन्हें यह मालूम है कि आजमगढ़ की जनता की वर्तमान जरूरत क्या है? बात अगर राजनीति की करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर चुके दिनेश लाल यादव आजमगढ़ में आए तो जरूर हैं, लेकिन केवल और केवल फिल्मों की शूटिंग और स्टेज शो करने। इस चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि लोगों को अपने अभिनय के दम पर आकर्षित करने वाले अपनी तरफ दिनेश लाल यादव मतदाताओं के दिल में कितनी जगह बनाकर उनके मत हासिल कर पाते हैं। बहरहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि आजमगढ़ की जनता इस अभिनेता को नेता बना पाती है और यह अभिनेता यदि नेता बन जाता है तो अपनी पब्लिक के लिए संसद में क्या कर पाता है? क्या जनता अपनी फरियाद सुनने के लिए या सुनाने के लिए इस अभिनेता के दरवाजे तक पहुंचती है या फिर चुनाव के बाद आजमगढ़ की जनता अपना दुख दर्द 5 साल तक अपने दिल में दबाए बैठे रहती है? दिनेश लाल यादव के चुनाव लड़ने से इस चुनाव में मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में होंगे वहीं टिकट न मिलने पर रमाकांत यादव किसी अन्य दल से चुनाव लड़ते हैं या फिर दिनेश लाल यादव के कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे रहते हैं।